डाइट मंडी में DELED के सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। ये जानकारी डाइट मंडी के प्रधानाचार्य मोहिंद्र पाल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि डाइट मंडी में तीसरे बैच में 192 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है, जबकि इस बैच में 200 विद्यार्थी बैठेंगे। उन्होंने बताया कि आज से बैच की शुरुआत होने जा रही है, ताकि विद्यार्थियों की कक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जा सकें, जिसके लिए डाइट मंडी पूरी तरह कार्यरत है। उन्होंने बताया कि बच्चों की कक्षा में टाइम टेबल में परिवर्तन किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों की कक्षाएं सुचारू रूप से लग सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की कक्षाएं नए सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। डाइट मंडी में जो सरकार द्वारा तीसरा बैच DELED कोर्स के लिए भेजा गया, उसमें 192 ट्रेनीज ने एडमिशन ले लिया है, बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। 200 सीट्स इस बैच के लिए अलॉटेड है, उसमें से 192 बच्चों ने दाखिला ले लिया है। और पहले भी दो बैचेस चले हैं, तो अकोमोडेशन की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश की है हमने कि जो लाइब्रेरी का हॉल है उसमें ही ये जो हमारा अब थर्ड बैच जो बैठेगा, जिसकी क्लासेस 27 तारीख से शुरू होंगी, उसकी क्लासेस ली जाएं। तो अकोमोडेशन की कमी को भी देखते हुए और बच्चों की संख्या बल को देखते हुए, जितने तीन बैचेस के हैं, टाइम टेबल में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। जितने भी DELED के, अब चाहे वो फर्स्ट ईयर की बात है, सेकंड ईयर की बात है, थर्ड ईयर की बात है, सभी के लिए नया सिलेबस ही लागू होगा, पुराने सिलेबस की कोई बात नहीं।